दोस्तों कैसे हैं? मैं वापस आज पेशेजुल्लास आपके सामने लेके आया हूँ। हर दिन मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ ताकि आपका पैसा नहीं फंसे और आप ब्लॉक नहीं करें। अभी भी आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको शॉर्ट बोला था, लेकिन आपको एक लेबल दिया था 76 का, कि आप अभी देखेंगे अभी भी मेरे चार्ट पे उसका 76 का लेबल है ही, जहाँ मैं आपको बोला था 76.36। आप जाके देखेंगे तो 76 के आसपास मैंने आपको बोला था कि वहाँ पे उसका एक सपोर्ट है, तो वहां से ये अप ले सकता है। कोई इशू नहीं। आप क्या समझ रहे हैं कि मैं अभी अपने वर्ड्स को चेंज कर रहा हूँ? मैं अभी भी अपने वर्ड्स को चेंज नहीं कर रहा हूँ। ये 109 इसके लिए बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है। 109 इतना जल्दी नहीं निकल जाएगा ये, और 109 और उसके बाद 120, तो ये कोई 120 क्रॉस करने वाला नहीं है। आप इसको ऊपर के लेवल पे शॉर्ट कर सकते हैं, बेहिचक कर सकते हैं। इसका सिर्फ चूंकि एक न्यूज आया है, किसी बोर्ड मीटिंग है, उसके चलते थोड़ी इसमें अपवर्ड देखने को मिली है। हुआ क्या है इसको, चलिए डिटेल में एनालिसिस करते हैं। हुआ ये कि ये आज 76 पे ओपन हुआ, टुडे का लो है, सॉरी ओपन हुआ 82 पे, और 76 का लो बना दिया। और लो बनाने के बाद क्या हुआ था, सारे शॉर्ट क्रिएट हो गए। जब 82 पे ओपन हुआ तो सारे लोग शॉर्ट पे आ गए, क्योंकि दीपावली में प्लस हुआ था, लोग शॉर्ट पोजिशन बनाए, तो ट्रेडर को ये बहुत ही अच्छा मौका मिला। और चूंकि एक न्यूज सर्कुलेट हो गई मार्केट में कि बोर्ड मीटिंग है, तो ट्रेडर को लगा चलो इसको शॉर्ट करके ऊपर ले जाते हैं, और ट्रेडर ने वही किया, सारे शॉर्ट पोजीशन को राइट ऑफ करने के लिए अपनी तैयारी कर ली और उसको अपसाइड पे ले जा करके खत्म कर दिया, तो स्टॉक हिट करा दिया होगा। लेकिन अगर हम जाके आपको बताएं तो ये देखिए डिलीवरी परसेंटेज 9%। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें कोई न्यूज ऐसा नहीं है और ये किसी भी हालत में अपवार्ड नहीं जाएगा। लेकिन अब ये देखिए, ये जो न्यूज है ना, पीसी जुला सच नियरली 14%, बोर्ड मीटिंग ऑन नवंबर 14, इसके कारण ये जाकर के ऊपर की ओर चला गया और कोई रीजन नहीं था। तो अब इसमें है कि रिजल्ट अच्छा आएगा, रिजल्ट आने दीजिए, अच्छा कोई बात नहीं, या रिजल्ट खराब आने दीजिए, हमें दोनों से नहीं लेना देना है, हमें इसके ट्रेंड लाइन से मतलब है। ट्रेंड लाइन में ऐसा कुछ भी इसको नहीं होने वाला है कि ये कल के कल आपको 120 125 क्रॉस कर देगा। ये नीचे जो इसका जो अपना जो सपोर्ट जो जो इसने गैप क्रिएट करके गया हुआ 70 का, 76 का, यहाँ पे जो गैप आपको मैंने बताया 68.95 का, मतलब 70 का, इसको यहाँ आना ही आना है। और जैसे मैंने आपको बताया, ये शेयर भी खराब नहीं है, अब इसको आप पोजिशन ऐसा नहीं कि ये बंद होने हो गई है कंपनी। तो आपको जैसा बताया, लोअर लेवल पे आप जरूर से जरूर पोजिशनल बेस्ड एक्वायर करें। आप लोअर लेवल पे आप इसको पोजिशन बनाएं, आपको फायदे में आप रहेंगे। अगर आप ऊपर के लेवल में हैं, ऊपर बाइंग किया हुआ 150, 130, 150, तो नीचे के लेवल पे एवरेज करके अपने कॉस्ट को बिलो 80 लेके आने की कोशिश करें, तो भी आप फायदे में रहेंगे। ये एनी टाइम ऐसा ऊपर नीचे दिखाते रहेगा। अब मंडे को क्या होगा, मंडे को ये फिर अप जाएगा और ये पूरी कोशिश करेगा, जो कि लास्ट दिन जो इसने क्रॉस किया था, कोशिश किया था, आप देखेंगे एक बार ये इसने क्रॉस किया था जो ऊपर जाने के लिए 99, 100 के आसपास जाकर के कुछ, अगर इसको डेली चार्ट पे देखें हैं तो ये एक बार कोशिश किया था। आपको यहाँ पे देखिए, ये 100.35, 100.35 5/11 को कोशिश किया था, तो ये वापस इसको कोशिश करेगा 100.35 क्रॉस करने के लिए। शायद इस बार क्रॉस भी कर जाए, लेकिन इस बार इसका जो रेसिस्टेंस है वो 109 के आसपास है, 109.42, तो इसके आसपास है। ये कहाँ से है तो आप देखेंगे, ये मंथली जो हाई था ना, जो अब जून का हाई बनाया था, आप यहाँ पे देखेंगे तो सॉरी, ये जो यहाँ हाई बनाया था 140, यहाँ पे ये अगस्त का जो हाई बनाया था वो 109.30, इसके पास इसको रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस और गैप तो अगर देखें तो 100 इसको 103 104 से ही चालू हो जाता है, 102 से ही चालू हो जाता है। आप यहाँ पे देखें तो एक ये लेवल है जहाँ पे आपको 108, यहाँ पे एक गैप बनाया हुआ है, यहाँ पे वो भी 109 का लेवल है। तो 109 और उसके बाद 119, ये इसका बिग रेसिस्टेंस है, ये 119 क्रॉस नहीं करने वाला है। तो ऊपर के लेवल में अगर ये डाउन साइड वंस मिले आपको, तो आपको शॉर्ट करना चाहिए जितने भी, या जो फंसे हुए हैं उनको एग्जिट करना चाहिए, आपको ये नीचे की ओर पोजीशन मिलेगा। और मेरा अभी भी फुल बिलीव है, आप इसको ऊपर के लेवल पे शॉर्ट करें, आपको ये वापस नीचे, आपको बिलो 80, और एक बार जैसा मैंने आपको बोला है इसको 69-70 आना है। तो आप देखेंगे, जस्ट मैंने आपको क्या बताया था, क्रुशियल लेवल क्या है इसका, जहां से इसको उठना है। तो आप देखेंगे जो मैंने आपको दिया था यहाँ पे चार्ट पे 76.36, और आज इसने क्या किया है, 76.65 आया, लो बनाया
और वहां से आप ले लिया, मतलब इसके फर्दर लोग को इसने टच नहीं करने की कोशिश की, 76.36 भी जाने की कोशिश नहीं की, यहां से आप ले लिया, तो ये तो होना ही था। अब यहां से आप लेकर के, क्योंकि उसको 14 तारीख को बोर्ड मीटिंग है इसकी, तो सोचा कि अब चलो नीचे शॉट मारे उसको फंसा के ऊपर ले जाए, इसने वही काम किया, ट्रैप किया जितने भी शॉट थे। अब सोचे होंगे शॉट कवरिंग भी लोग कर रहे होंगे, करने की जरूरत नहीं है। 120 तक आप इसको, आप स्टॉप लॉस अगर देखना है आपको ऊपर की ओर, तो 120 का आप दे सकते हैं, 120 के नीचे मोस्ट ऑफली, 120 के ऊपर या फिर 139-140 तक चला जाएगा, ओपन भी ज़्यादा अब यहाँ पे चला आएगा, फिर वो आप देखेंगे तो उसके बाद इसका लगभग यहाँ पे 120 के बाद इसका जो सपोर्ट होगा यहाँ पे लगभग 155-156 के पास आ जाएगा, 151 आ जाएगा, तो वो लंबा हो जाएगा, तो आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। और अगर मंथली चार्ट पे भी देखेंगे हम, तो ये आपको यहाँ पे 139.75 का हाई बनाया था, तो अगर ये तोड़ता है मतलब 109 को जाता है, तो 140 तक जा सकता है, और 140 जाने के बाद अगर जाता है तो 169 फिर, और फिर आप देखेंगे फिर ऊपर की ओर जाते जाएगा, फिर 169 के बाद फिर 200 के आसपास जाएगा, फिर 260 ऊपर जाएगा। तो अभी आप तो पहले 109 क्रॉस करें, 120 क्रॉस करें, फिर 139 क्रॉस करें, तो 109 और 139 आप इसको अगर एक बार एक काम कीजिए और थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए इसको, 120 को 139 कर लीजिए, आप 139 के आसपास ले जाइए, तो आप यहाँ पे ले जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, 139। अभी एग्जैक्ट चार्ट क्या है यहाँ बैठता नहीं है, 140 रख लीजिए। तो आप एक बार एक काम कीजिए, इसको 109 और 140 ये दो आप रख लीजिए, जिसको क्रॉस करना इतना ईजी नहीं है, हाँ, लेकिन ये हो सकता है 109 को एक बार क्रॉस करके दिखाए और ये ऊपर की ओर एक बार निकले, और हो आपको मंडे तो अप रहेगा, मंडे ये श्योर शॉट अप रहेगा, और हो सकता है आपको यहाँ से 15-18 पॉइंट 20 पॉइंट आराम से अप दिखाएगा, 14-15 पॉइंट तो मिनिमम दिखा देगा, तो मंडे अप है, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि अब ये अप जाएगा, एज इट इज़ कोई डिलीवरी परसेंटेज जो ग्राउंड है, सेंटीमेंट पॉजिटिव बता रहा है, लेकिन जब तक डिलीवरी परसेंटेज में इसमें सुधार नहीं आएगी या कोई बिग न्यूज़ नहीं आएगा, बिग न्यूज़ में मतलब या तो वापस ये बायबैक अपना करे, ओपन बायबैक करे, या ऐसी कुछ काम करेगा, तब जा कर के इसमें एक बिग आपको बाय देखने को मिलेगी। अदरवाइज ये जो 70 है, 70-140 है, 70-140 ये करते रहेगा, 70-140 नीचे जाएगा ऊपर, लेकिन 70-140 का रेंज अभी इसका लगता है फिक्स हो गया है, इसी रेंज में इसको ट्रेवल करना पड़ेगा। तो 70-140 के बीच में अगर आपको पोजीशन बनाने हैं तो ऊपर नीचे बनाते रहिए, लेकिन बेहतर क्या होगा, आप नीचे 70 के लेवल के आसपास अपनी पोजीशन बनाइए और 140 में आप एग्जिट कीजिए, और इसमें पोजीशन बेस्ड ट्रेडिंग करें रेदर देन कोई भी और ऑप्शन अगर है तो आपको करना ही है, तो आप फिर अपने एडवाइजर से पूछ के, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें और करें, अदरवाइज पेपर ट्रेडिंग करें अच्छा रहेगा। और जैसा मैंने आपको बताया ये 120 इसको निकलना मुश्किल है, तो थोड़ा टफ रहेगा 140 इसको क्रॉस करना, 109 और 140 टफ है क्रॉस करना। अब अगर इसको आवरली चार्ट पे, चलिए एक बार एक्सप्लेन करें कि आवरली चार्ट पे क्या हो रहा था ये, तो आवरली चार्ट पे आप कुछ नहीं देखेंगे, ये क्या किया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आज के दिन में जो ओपन हुआ वो यहाँ पे ओपन हुआ 9:30 के आसपास ओपन हुआ, तो 9:30 के आसपास ओपन हुआ ये 78, आज का दिन 9:11 को है, और आप देखेंगे यहाँ पे 9:11:38 81 के आसपास ओपन हुआ, और फिर ये एक बार 78 का लो बनाया, फिर यहाँ से और नीचे गया और नीचे गया और नीचे गया और नीचे गया, और यहाँ पे जब ये आप देखेंगे लगभग यहाँ पे लास्ट नीचे गया था, और लास्ट इसने यहाँ पे 78.35 का क्लोजिंग दिया, 77 का लो बनाया, इसके बाद एक बार यहाँ पे 77 का लो बना करके सीधा अप ले लिया, और यहाँ से मौका ही नहीं दिया किसी को, जो कि 1:30 बजे 1:30 के आसपास है, यहाँ से किसी को मौका नहीं दिया होगा, ये सीधा यहाँ से 86 ले दिया, तो ये जो भी पोजीशन यहाँ पे बनाए होंगे सबका शॉर्ट हो गया होगा और सबका एग्जिट हो गया होगा, और अच्छी खासी आज वाट लगी होगी अगर किसी एग्जिट किया होगा या पोजीशन गया होगा। और फिर यहाँ के बाद जैसे आप वाट था तो यहाँ पे इमीडिएट ये बाइंग सिग्नल यहाँ से जनरेट भी हो गई थी, अगर आप देखेंगे तो बाइंग सिग्नल भी जनरेट हो चुकी थी वहां पे, तो आप देखिए यहाँ पे ये बाइंग सिग्नल भी यहाँ पे जनरेट हो गया है, तो आवरली बेसिस पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आ जाके बाइंग सिग्नल जनरेट हो गई थी 2:30 को,
तो अब अगर किसी ने 83-85 पे लिया होगा तो आज ही इंट्राडे में अच्छा खासा 95 का हाई लगाया था, क्योंकि आज भी इसका 95-65 पे कांस्टेंट था, रेसिस्टेंस था। तो आप यहाँ पे आकर के इसको यहाँ पे प्रॉब्लम आया, और फिर ठीक है कोई बात नहीं, मंडे अब जाएगा, जाने दीजिए। बाइंग सिग्नल है तो कितने दिन के लिए देख लेते हैं, अभी तो बाइंग सिग्नल है और मंडे भी बाइंग सिग्नल रहेगा, बाइंग ही रहेगा। ट्यूजडे को हो सकता है सेकेंड हाफ पे रिवर्स करेगा ये, अगर इसको रिवर्सल भी लेना है तो मंडे इवनिंग को, अगर ये 109-110 तुरंत पहुंचा दिया तो आपको मंडे इवनिंग को फिर से हम बता देंगे क्या करेगा ये। तो मोस्ट वाली मंडे अप है, और इसको जो रिवर्सल लेना चाहिए मेरे अंदाज से ट्यूजडे को लेना चाहिए, मेरा जो अपना ओपिनियन है कि मंडे अप दिखाएगा और ये 109 तक कोशिश करेगा, एक बार इस बार 100 को क्रॉस करने की कोशिश करेगा और 109 तक जाएगा, 102, 103, 104 जहां भी जाए वहां जाए। तो ओपन होता है तो आप बाय कर सकते हैं एक बार इसको, और वहां पे इंट्राडे में आप जब भी आपको 102, 103 जहां पे कंफर्ट हो वहां पे एग्जिट कर जाइएगा, जरूर से जरूर एग्जिट कर जाइएगा। ये शॉर्ट पोजीशन ही बनाना है, इसमें बनाना भी है तो आप वेट कीजिए, अपर साइड पे इसको शॉर्ट कीजिए। जब ये आपको वापस 100 से नीचे आने लगे, अगर आपको दिखने लगे कि वापस ऊपर जा करके 100 क्रॉस डाउन कर रहा है और निगेटिव सिग्नल जनरेट हो, तो आपको वहां पर शॉर्ट कर देना चाहिए। ये अभी कोई बाय रिकमेंडेशन मेरा नहीं है, अभी भी मैं इसमें शॉर्ट पोजीशन बनाना बेहतर समझूंगा। और जैसा मैंने आपको पहले बोला था कि आप अब चला जाएगा तो मैं अभी चेंज कर दूंगा, कभी नहीं चेंज करूंगा। जहां चेंज करूंगा आपको जैसे बताया कि ये स्टॉक खराब नहीं है, अब इसमें पोजीशनल बाइंग आपको करनी चाहिए, लेकिन ये ट्रेडिंग है, अभी ट्रेडर स्टॉक है ये, अभी केवल ट्रेडर ले रहे हैं, अब ट्रेडर इसमें खेल रहे हैं, तो ट्रेडर के साथ आपको भी मजा लेना है तो आप नीचे पे बाई कीजिए, ट्रेडर जब ऊपर ले जाए तो आप उसको सेल कर दीजिए। आप ट्रेडर को ऐसे ही बीट कर सकते हो, क्योंकि उनके पास वॉल्यूम है, उनके पास पैसा है, आपके पास छोटा सा पैसा है, तो आप नीचे लीजिए और ट्रेडर जब ऊपर, ऐसे दिन में जैसे कि आज यहाँ पे भी अगर आपने 83-84 पे लिया होगा, मेरे दोस्तों ने 84 पे पोजीशन आज बनाया है, और कल के दिन में मंडे के दिन में 109-101 पे निकल जाएंगे, तो ट्रेडर का जो भी व्यू रहेगा वो अपना खेलते रहेंगे, उसको शॉर्ट करते रहेंगे। आपको तो नीचे लेना है, ऊपर एग्जिट कर जाना है। वापस ये जब नीचे आए आपको 70 के आसपास, 75 के आसपास मिले वहाँ लीजिए, 50 क्वांटिटी लीजिए। अगर आपको 100 लेना है तो जैसे आपको समझाया है, अगर 70 पे मिलता है 25 लीजिए, 25 लीजिए, 25 करके आप उसको नीचे जाने दीजिए ना, आपको तो 100 का टारगेट है। अगर 25 के बाद अब चला जाता है तो आपको सेल करना है, वापस एवरेज अप साइड में एवरेज नहीं करना है, आपको लोअर साइड पे एवरेज करना है। अब ये जा रहा ऊपर की ओर, आप कहेंगे हमको एवरेज करना है, फिर क्या कर, अब फिर ऊपर साइड में फंस रहे हैं, ऊपर में एवरेज नहीं करते, लोअर पे एवरेज करते हैं। अगर आपने बाय कर लिया लोअर पे तो अच्छी बात है। बहुत लोगों ने मेरे से उस समय जब मैं ये वीडियो डाला था तो पूछा था क्या करना चाहिए, तो मैंने उस लेवल पे बोला था उनको, 80 के आसपास बोला था, 80-82 था, वहां पे बोला था एवरेज कर लीजिए, आपको फायदा है। अब जो 82 आपने बाय किया होगा वो आप मंडे को एग्जिट कीजिए उसको, उतने पोजीशन को, तो आपका फायदा हो गया उतने पोजीशन का। वापस जब ये नीचे आए तो वापस उसको बाय कर लीजिए, ऐसे करके आप ट्रेडिंग कीजिए, ठीक है। ये डायरेक्ट ट्रेडिंग में आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही लें, ये पेपर ट्रेडिंग जो भी मैं बता रहा था ये पेपर ट्रेडिंग के लिए बता रहा था। अगर आपको कोई भी मार्केट में पोजीशन बनानी हो तो पहले आप प्लीज़ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही पोजीशन बनाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।